please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and hit the bell icon also so that you won't miss my future videos. Hello friends, welcome back to my channel. So aaj yahan subah se hi kafi barish ho rahi hai. So aaj mausam ke hisab se hi maine socha kuch breakfast banaya jaye. And as you all know that ki barish ka best friend hota hai besan. Aap sabhi log jante hain. तो मैंने सोचा कि आज मैं भी बेसन के चीले बनाती हूँ इन अ मोर हेल्दी एंड टेस्टी वे. सो आज हम बना रहे हैं लौकी के चीले. एंड लौकी के अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम, टमाटो, जिंजर, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर. सो मैं ये चीले दो लोगों के लिए बना रही हूँ एंड मैं ले रही हूँ हाफ लौकी. पहले हम इसको पील करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे. एंड इसका ज़्यादा बीज वाला पोर्शन हम ग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि बीज अच्छे नहीं लगते हैं चीले में. इनिशियली मैं ले रही हूँ 1 small bowl बेसन का एंड अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी और बेसन की तो मैं उसको बाद में ऐड कर लूँगी. अब मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड लौकी बेसन में. एंड अब हम इसमें बाकी चॉप्ड वेजीज भी ऐड कर लेते हैं. एंड हाँ गाइस, ये ध्यान रखिए कि आप वेजीज को बहुत ही छोटा छोटा चॉप करें. अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon ब्लैक पेपर. इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है एंड डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, नमक 1 teaspoon. आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो नमक की क्वान्टिटी को. एंड अब मैं लूँगी कोरिएंडर पाउडर अगेन 1/2 teaspoon. इसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला. अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी है पानी ऐड करने से पहले बिकॉज लौकी भी काफ़ी पानी छोड़ती है. सो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना पानी और एक्स्ट्रा ऐड करना है. इस मिक्सचर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सब्जी के हिसाब से बेसन थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा और बेसन ऐड कर रही हूँ. अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे. पानी हम उतना ही ऐड करेंगे जिससे इसमें बैटर जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए. अब ये मिक्सचर हो गया हमारा रेडी. नेक्स्ट अब हम इस मिक्सचर को प्रीहीटेड पैन में डालेंगे एंड इसको चारों तरफ सर्कुलर मोशन में फैला देंगे. हम जितना बड़ा चीला बनाना चाहते हैं उतना हम मिक्सचर को फैला लेंगे एंड इसको अब हम धीमी आंच में पकने देंगे. सो जैसा कि आप सब लोग जानते हो गाइस कि लौकी काफ़ी हेल्दी होती है. इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और जो हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. अगर आपके घर में कोई लौकी नहीं खाता है, जैसे कि मैं भी लौकी की ज़्यादा बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे भी लौकी अच्छी नहीं लगती है. सो अगर आप लौकी को इस तरह से खाओगे चीले बना के तो इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लौकी खा रहे हो और आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा. अब जैसा कि दिख रहा है कि ये पकने लगा है तो हम इसको पलट देंगे. अब यहाँ हमने नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है एंड हमने इसमें कोई भी ऑयल या घी नहीं यूज़ किया है. सो काफ़ी हेल्दी चीला है. अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो या आप डाइटिंग कर रहे हो तो आप इस तरह की डिश को खा सकते हो. ये आपको टेस्टी भी लगेगी और काफ़ी हेल्दी भी होगी. अब ये चीला हो गया है रेडी एंड बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे. बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में तो. एंड आप भी अगर इसकी खुशबू लेना चाहते हो घर पे तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी ये डिश. सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगली वीडियो में.